आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ सिर्फ बिग एफएम पर। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ शक्ति जगदम्बा का दिन है आज शुक्रवार। उसी माँ के शरण में रहकर हर इंसान सिर्फ ये सीखता है कि भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर होता है कर्मों का तूफान पैदा कर देना, तो अपने आप सारे दरवाजे खुल जाएंगे। मैं कामिनी खन्ना सुबह सुबह आपके कर्मों को जगाने के लिए, आपको थोड़ा सा पुश करने के लिए और आपके मन के अंदर सकारात्मक विचार पैदा करने के लिए सहर कार्यक्रम में सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। आज 5/1/2018 शुक्रवार है। आज चंद्र सिंह राशि में अहोरात्र, नक्षत्र है मघा, देर रात तक संकष्टि चतुर्थी है। आज गणेश जी का व्रत रखेंगे लोग और व्रत खोलेंगे रात को चंद्रोदय पर। चंद्रोदय होगा रात को 9:49 के बाद। आज के मुहूर्त कुछ इस प्रकार हैं: सुबह 8:39 से लेकर सुबह 10 तक लाभ, सुबह 10 से लेकर सुबह 11:22 तक है अमृत, और दोपहर 12:44 से लेकर दोपहर 2:06 तक है शुभ। खुश रहने का सीधा एक ही मंत्र है कि उम्मीद अपने आप से रखो और किसी से नहीं। चलिए मैं आपको बताती हूँ मेष से लेकर कन्या राशि तक का राशि भविष्य। चंद्रमा सिंह राशि में है देर रात तक, नक्षत्र है मघा, मेष राशि। आज केतु के नक्षत्र में आप बहुत ज्यादा अपने आप को काम की जगह पर आइसोलेटेड फील मत कीजिएगा। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो आपको तुरंत से गायत्री के जाप करने हैं अपने को स्थिति से बाहर निकलने के लिए। हो सकता है कि आपके बच्चे भी कुछ ऐसा फील करें तो उन्हें भी यही सलाह दीजिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए केतु का नक्षत्र आपको शुभ जाएगा और आप काफी कुछ अपने घर के अंदर रेनोवेशन करने की सोचेंगे। आप सोचेंगे कि कोई बड़े भाई बहन भी इसमें आपका साथ दें और अचानक कोई अच्छी खबर भी आएगी जिससे इसके पैसे का जुगाड़ भी हो जाएगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए आप महसूस करेंगे कि केतु का नक्षत्र आपकी हेल्थ अच्छी करने के लिए आपको सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है कोई जुगाड़ लग जाए, आपकी तबीयत ठीक होने के लिए कोई इलाज मिल जाए आपको, और इसमें आपके छोटे भाई बहन की सलाह आपके काम आए। वैसे मैं आपसे बता दूं कि आज यात्रा का दिन भी है और आज तीर्थ यात्रा पर जा सकते। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए आज चंद्रमा आपके द्वितीय में केतु का नक्षत्र जो आपकी अनबन करवाता है आपके पार्टनर से, साथी से, ऐसे में आपको अपनी जुबान और अपनी वाणी को कंट्रोल में रखना चाहिए। और अगर आप शांति से रहें और सोचें कि ये दिन ऐसा ही है, कल ये निकल जाएगा, तो दिस टू विल पास। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए आज केतु का नक्षत्र थोड़ा सा आपको धार्मिक बनाता है। हालांकि आपके विरोधी सक्रिय हैं और आप सोचते हैं कि बहुत ज्यादा विरोध होने के बावजूद मुझे काम करना पड़ रहा है, और इसमें आपको अगर ऐसा लगे कि आपके पार्टनर भी इसमें शामिल हैं तो ये गलत है, क्योंकि ये सब ग्रहों का खेल है। थोड़ी ही देर में जब आपके ग्रह बदल जाएंगे तो ये स्थितियां भी बदल जाएंगी, तो टेक इट कूलली। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए आपके चंद्रमा आज बैठ गए द्वादश में और केतु का नक्षत्र आपके माइंड को ऑकल्ट साइंसेस की तरफ झुकाता है। अब बहुत ज्यादा ऑकल्ट साइंसेस की तरफ ना झुककर अपनी प्रैक्टिकलिटी पर भी भरोसा रखिए। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, मेहनत और विश्वास कीजिए भगवान पर, सभी अच्छा होगा। और अगर अपने बच्चों को भी यही सलाह दे कि वो भी प्रैक्टिकली डील करना सीखे प्रॉब्लम्स को, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे सूर्य निकलता है संसार में, वैसे ही कई विचार उदय होते हैं आपके मस्तिष्क में। अपने आइडियाज को जिंदा रखिए, अपनी इच्छा शक्ति को जिंदा रखिए। चलिए तुला से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य सुनते हैं। चंद्रमा मेष राशि में है, नक्षत्र है मघा। तुला राशि। तुला राशि के लिए केतु का नक्षत्र अच्छा जाता है और केतु इन दिनों इनके चतुर्थ में बैठे हैं, तो कोई लाभ होगा और उसके बाद ये पैसा आप घर की रेनोवेशन में लगाना चाहेंगे, तो आगे बढ़िए, कर सकते हैं ये काम आप। आपकी माता इसमें आपका सपोर्ट करेंगी। और अगर आपको कोई झगड़ पट्टी होती है घर में या आप पैसे की वजह से बेचैन होते हैं, तो स्थिति को आपको टालना है अपने सद्बुद्धि से शांत रहकर, बड़े भाई बहनों की सलाह लेकर। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए
आपके काम रुके हुए थे और आप सोच रहे थे कि ये ऐसी स्थिति क्यों है। जो आपके उत्साह में कमी आ रही थी वो आज बरकरार रहेगी और आज आप फिर से जोर से काम करना चाहेंगे, कीजिए। आपके काम आज के दिन अच्छे बनेंगे और आपके सिबलिंग्स इसमें आपका पूरा साथ दे सकते हैं। यात्रा पर भी निकलेंगे तो अच्छी यात्रा होगी। धनु राशि के लिए चंद्रमा भाग्य में बैठकर और केतु का नक्षत्र आपको सूट करता है। आता है पैसा, धन आने से घर में खुशी छाती है, वाणी में ओ जाता है। वैसे भी पैसा बहुत बड़ी बैकबोन होता है, लेकिन सब कुछ नहीं। एंजॉय कीजिए अपना धन और परिवार में सभी को थोड़ा बहुत बांटिए ताकि उन्हें भी खुशी महसूस हो। मकर राशि के लिए आज आपके षष्ठ में बैठकर चंद्रमा आपको केतु के नक्षत्र में थोड़ी सी देते हैं बेचैनी। आपके विपरीत ग्रह हैं केतु, जो मंगल सा व्यवहार करते हैं और आपके लग्न में बैठकर आपको अग्रेसिव बनाते हैं, गुस्सेबाज बनाते हैं, झगड़ेबाज बनाते हैं। आपको नहीं करना है किसी से झगड़ा और आपको आज के दिन अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना है पूरा। कुंभ राशि के लिए अब चंद्रमा सन्मुख बैठकर आपको अपने पत्नी पार्टनर स्पाउस को कूल होता देखकर काफी रिलैक्स करते हैं। वो भी अपने विरोधियों से परेशान हैं, लेकिन फिर भी उनके मन के अंदर जितनी उथल पुथल है वो चेहरे पर आने नहीं दे रहे और आप भी उनका साथ दीजिए। आप उनसे मतभेद मत कीजिए तो दिन आगे अच्छा रहेगा। वैसे 14 जनवरी के बाद आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। मीन राशि के लिए अब चंद्रमा आपके षष्ठ में बैठकर आज विरोधियों का सामना करवाते हैं। आपसे केतु का नक्षत्र आपको सूट करता है। विरोधी हैं लेकिन पैसा दे जाते हैं कई लोग, और अगर आप फोन उठाकर आज लोगों को कॉल करें कि आपको पैसा चाहिए तो नक्षत्र आपको पैसा दिलवाएगा और हो सकता है ये पैसा आने पर झगड़ पट्टी हो या कोई गलत तरीके से पैसा न लीजिएगा। जब तक कोई एक सच्चा मित्र आपके साथ है वो आपकी जिंदगी की गलतियां मिटा मिटा कर आपको संपूर्ण बनाता रहेगा। तो सच्चे मित्रों की खोज में मैं भी रहती हूँ। आप मेरे सभी भाई बहन, मेरे दोस्त, मेरे सच्चे मित्र हैं और मैं कामिनी खन्ना सुप्रभात कहे के सबसे सुबह सुबह वार्तालाप करने के लिए आ जाती हूँ सहर कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग आप? चलिए हम एक बार फिर चर्चा करते हैं अपनी संस्कृति की, अपनी सभ्यता की। हमारी सभ्यता में जो प्रार्थनाएं पूजाएं की जाती हैं वो दूसरी सभ्यताओं से विभिन्न है। हम बिलीव करते हैं कर्म कांड में और हमारा धर्म सनातन धर्म ही कर्म कांड पर आधारित है। और साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये कर्म करते हुए ये सारे कर्म हमारे सात्विक होने चाहिए, जैसे कि हमारी संस्कृति कहते हुए आई है। और इसी के तहत हम ज्योतिष शास्त्र भी करते हैं। हमारे कर्म हमारी कुंडली के साथ निगड़ित होते हैं। हमें हमारी कुंडली देखकर पता चल जाता है हमारे ग्रहों के हिसाब से कि हम क्या कर्म करने जाएंगे या जीवन भर हम क्या कर्म करेंगे। तो बहुत ही गूढ़ है हमारी सभ्यता और संस्कृति। मैं कामिनी खन्ना बात कर रही थी हमारी संस्कृति और सभ्यता की। फिर कल मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। उत्तर भारत में जब माता की आराधना की जाती है तो उसे भजन नहीं कहा जाता, उसे माता की भेंट कहा जाता है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।